मेरा मरना उसके लिए, मेरी नमाज उसके लिए, मेरी कुर्बानी उसके लिए, मेरा वजूद उसके लिए, मेरा तहरुक उसके लिए, मेरा जोश जज्बा उसके लिए, मेरा अव्वल और आखिर उसके लिए, किसके लिए? वो जो मलजा और मावा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो जो समी और बसीर है। साइमा मंसूर आपको आगाज यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहती है। हमारा तमाम स्टाफ और माहिरीन सख्त मेहनत से मुस्तनद मालूमात इकट्ठी करके आपकी खिदमत में पेश करता है। मुतलका किताबों, अखबारात, तहकीकी मकालाजात के साथ साथ हम बैनुल अक्वामी इंसाइक्लोपीडियाज, डिजिटल डेटाबेस, रिसर्च जर्नल्स और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, मगर फिर भी हम इंसानी कमजोरियों से इनकार नहीं करते, जिसके लिए कमेंट सेक्शन में आप हमारी रहनुमाई कर सकते हैं। अंधेरों में जो रहनुमा बन के आया, वो रोशन सितारा मुनव्वर हसन था। वो रूहे रवां था सिपाही वफा का, वो रहबर हमारा मुनव्वर हसन था। शरीके सफर थे तेरे चांद सूरज, जिहादे इकामत के सारे सिपाही, मिलेगी हमें हर जगह से गवाही के तूने हमेशा थी हक बात चाही। कदम डगमगाए ना अहले वफा के, चले राहे हक पर सदाकत के राही, जो गूंजा फजा में बड़ी शद्दोमत से हमेशा वो नारा मुनव्वर हसन था। जी हाँ, तो हमारी आज की शख्सियत है सैयद मुनव्वर हसन। सैयद मुनव्वर हसन 5 अगस्त 1941 में दिल्ली में पैदा हुए। दिल्ली के एक मुअज्जज़ घराने से ताल्लुक रखने वाले सैयद मुनव्वर हसन बचपन से ही तलखियां झेलने के आदी हो चुके थे। सैयद मुनव्वर हसन ने क्याम पाकिस्तान के वक्त दिल्ली से लाहौर और फिर कराची का सफर किया। इस खूनाशाम सफर में सैयद मुनव्वर हसन ने अपने सीने पर तमगाए हिजरत भी सजाया। जैकब लाइन के स्कूल से इब्तदाई तालीम हासिल की। सैयद मुनव्वर हसन ने 1963 और 1966 में जामिया कराची से इमरानियात और इस्लामियात में एमए किया। नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन के प्लेटफॉर्म से तलबा सियासत का आगाज किया और फिर इस्लामी जमीयत तलबा के हरावल दस्ते में शामिल हो गए। बर्चस्तगी और शुस्ता तकरीर में उनका कोई मद्दे मुकाबिल न था। कॉलेज मैगजीन के एडिटर और बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी भी रहे। 27 दिसंबर 1964 के सालाना इज्तिमा में उन्हें इस्लामी जमीयत तलबा का नाज़िम आला मुंतखब किया गया। 1968 में जमात इस्लामी पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और कराची के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और नायब अमीर भी रहे। उन्होंने 1963 में इस्लामिक रिसर्च अकेडमी और बाद अज़ां इस्लामिक यरूशलम स्टडीज कराची में बतौर रिसर्च असिस्टेंट शमूलियत इख्तियार की। वो 1969 में इसके सेक्रेटरी जनरल बने। उनकी निगरानी में एकेडमी ने 70 इल्मी किताबें शाया की। सैयद मुनव्वर हसन 1967 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के रुकन बने। उन्होंने कराची यूनिट के असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, नायब अमीर और शहर के अमीर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। इसके बाद वो जमात की मरकजी शुरा और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए मुंतखब हुए। उन्होंने कई प्लेटफॉर्म्स पर इस ग्रुप की नुमाइंदगी की, जिनमें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और पाकिस्तान नेशनल अलायंस शामिल हैं, जो कई पाकिस्तानी सियासी जमातों ने तश्कील दिया। वो अपने सादा रहन सहन की वजह से जाने जाते थे और उनकी मिसाल पेश की जाती थी। कई दिहाइयों से वो कराची में जमात के रहनुमा नेमतुल्ला खान के घर में 2 कमरों के एक हिस्से में रहते थे और अपनी पार्टी की तरफ से मिलने वाले वजीफे से मुतमईन थे। सैयद मुनव्वर हसन पाकिस्तान में दीगर जमातों के साथ सियासी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करने वाले एक अमली रहनुमा की बजाय हमेशा एक नजरियाती रहनुमा के तौर पर सामने आए। 2013 के पाकिस्तानी आम इंतखाबात में जमात इस्लामी पाकिस्तान की शिकस्त के बाद सैयद मुनव्वर हसन ने जिम्मेदारी कबूल की और अपने ओहदे से मुस्ताफी होने की पेशकश की, लेकिन पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने इससे इनकार कर दिया। मार्च 2014 में सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी की तारीख में पहले सरबराह बन गए जिन्हें वोटिंग से हटाया गया। जब सिराजुल हक खान को वोटिंग के हकूक के हामिल अराकीन ने सरबराह मुंतखब किया, कम अज कम एक तजिया कार नासिर जमाल ने क्यादत में तब्दीली की वजह जमात इस्लामी अराकीन की एक कम उम्र और ज्यादा अमली रहनुमा की ख्वाहिश को करार दिया। नवंबर 2013 में सैयद मुनव्वर हसन ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मकतूल रहनुमा हकीमुल्ला महसूद को शहीद करार दिया। ये बयान पाकिस्तान में मुतनाज़े साबित हुआ। पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज के मीडिया विंग और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा कि इससे दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग में हलाक होने वाले शहरियों और फौजियों की तोहीन हुई है, लिहाजा उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। उन्होंने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और पाकिस्तान नेशनल अलायंस समेत मुतअद्दद प्लेटफॉर्म्स पर जमात की नुमाइंदगी की। 1977 में कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ते हुए उन्होंने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। उन्होंने मुतअद्दद बैनुल अक्वामी कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स में हिस्सा लिया और अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, मशरक़ वस्ती, शुमाली अफ्रीका और जनूब मशरक़ी एशिया के कई ममालिक का दौरा किया। वो जमात के अंदर मुतअद्दद मनसूबाबंदी और तहकीकी इदारों के सरबराह थे। सैयद मुनव्वर हसन को अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था।
सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के वो वाहिद अमीर हैं जिन्होंने अपने तीन पेशरों और एक जानशीन के बरक्स सिर्फ एक मुद्दत के लिए पार्टी की क्यादत की। अपनी पहली और आखिरी 5 साल मुद्दत पूरी करने के बाद वो 2014 में दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब नहीं हो सके। पार्टी ने उस वक्त के शुमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना सिराजुल हक को पार्टी की क्यादत के लिए मुंतखब किया। बहुत से लोगों ने सैयद मुनव्वर हसन को उनके मुतनाज़र रिमार्क्स की वजह से दूसरी मुद्दत के लिए मुंतखब न होने को एक अहम वजह करार दिया। ताहम वो फिर भी न सिर्फ पार्टी कारकुनों बल्कि मौजूदा अमीर की तरफ से भी इज्जत और तकरीम के मुस्तहिक रहे। 1992 में सैयद मुनव्वर हसन को उस वक्त के अमीर काजी हुसैन अहमद ने पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर किया, जिसके बाद वो लाहौर चले गए जहाँ पार्टी का हेडक्वार्टर वाकई है। सैयद मुनव्वर हसन और उनकी अहलिया आयशा मुनव्वर एक ही वक्त में पार्टी के मर्द और ख्वातीन विंग के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने मजीद कुछ अरसा इंतखाबी सियासत में किस्मत आजमाई लेकिन कामयाब ना हो सके। वो 2002 के इंतखाबात में कराची से MQM के उम्मीदवार से बहुत कम फर्क के साथ हार गए। 2008 में सैयद मुनव्वर हसन पार्टी के चौथे अमीर मुंतखब हुए, लेकिन इसके बाद सेहत के मसाइल की वजह से उन्होंने दूसरी मुद्दत के लिए इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। MQM यानी मुतहदा कौमी मूवमेंट ने मुबैना तौर पर GI के कारकुनों को खास तौर पर निशाना बनाया जिन्होंने MQM के सियासी तसल्लुत में झुकने से इनकार किया था। कराची में 1985 से 2016 के दौरान जमात इस्लामी के दर्जनों कारकुनों को अगवा और कत्ल किया गया जबकि सैकड़ों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। GI अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम MQM पर आयद करती है। सेनेटर हैदर ने कहा कि सैयद मुनव्वर हसन ने ऐसे मुश्किल वक्त में GI की क्यादत की जब दूसरों ने हथियार डाल दिए थे। वो एक ऐसे दलेर और बहादुर रहनुमा थे जिन्होंने अपने सियासी मुखालफीन के खिलाफ MQM की तरफ से शुरू की गई दहशतगर्दी के सामने सर नहीं झुकाया। अपनी फसाहत और बलागत के लिए मशहूर सैयद मुनव्वर हसन ने कराची के सियासी और अदबी हलकों में एक डिबेटर की सी शोहरत हासिल की। उन्होंने 2 मास्टर डिग्रियां हासिल की, पहली इमरानियात में और बाद में जामिया कराची से इस्लामियात में। वो इस्लामी इकदार और निजाम हुकूमत के वाजे और पुरजोश हामी के तौर पर जाने जाते थे। मेरा जीना उसके लिए, मेरा मरना उसके लिए, मेरी नमाज उसके लिए, मेरी कुर्बानी उसके लिए, मेरा वजूद उसके लिए, मेरा तहरुक उसके लिए, मेरा जोश और जज्बा उसके लिए, मेरा अव्वल और आखिर उसके लिए, किसके लिए? वो जो मलजा और मावा है अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो जो समी और बसीर है। उन्होंने अपने मुतासिर कुन इल्म के साथ वसी मौजूआत पर बात की। उन्होंने सख्त अपोजिशन के सामने सच बोलने में भी कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं की। वो हुकूमतों और इस्टेब्लिशमेंट के सियासी दबाव पर अपने असूली मौकफ से कभी पीछे ना हटते। सैयद मुनव्वर हसन एक सादा और आजीज इंसान थे। उन्होंने अपनी जिंदगी मामूली और सादा जराए से गुजारी। उन्होंने जब अपने बेटे और बेटी की शादी की तो तकरीब के इख्तिताम पर मिलने वाले तहाइफ लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये तहाइफ उनकी सियासी हैसियत की वजह से यहाँ पर हैं, जबकि उनके बच्चों ने जाती हैसियत में ये तहाइफ वसूल नहीं किए, लिहाजा ये तहाइफ GI सोशल वेलफेयर को अतिया कर दिए गए। सैयद मुनव्वर हसन के वालिद सैयद अखलाक हसन MB हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे और उनकी वालदा लड़कियों को कुरान पाक की तालीम देती थी। अदब से लगाव रखने की वजह से उन्होंने बहुत से जराइद में मजामीन लिखे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी मैगजीन के एडिटर के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। 11 जून 2020 में COVID-19 की वजह से उन्हें ICU में एडमिट किया गया और एक मुख्तसर सी अलालत के बाद वो 26 जून 2020 में कराची में इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात और इस्लाम के लिए उनकी वाबस्तगी गैर मुतजलजल थी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल का विज़िट करें। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।